आज के टेक अपडेट में आपका स्वागत है। आज के टेक अपडेट्स कुछ इस प्रकार है। मोबाइल प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचार का परिचय, नथिंग फोन 3 कोडनेम टेट्रिस स्मार्टफोन बाजार को परिवर्तित करने के लिए तैयार है। कटिंग एज स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 चिपसेट के साथ अद्वितीय प्रदर्शन और कुशलता का अनुभव करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उदय के साथ डीप फेक सामग्री शामिल घोटालों में वृद्धि हुई है। मकाफी की एक रिपोर्ट के अनुसार 75% भारतीयों ने ऐसी डीप फेक सामग्री का सामना किया है। सुंदर पिचाई, मुझे अभी भी भाग्यशाली महसूस हो रहा है। सुंदर पिचाई के 20 साल पूरे होने पर टेक जायंट नए साथी संगठनों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एप्पल ओपन AI और गूगल। एप्पल खुद ओपन AI और गूगल के साथ चर्चाएं कर रहा है ताकि आगामी iOS को लाइसेंस कर सके, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की सामग्री के पीछे है और एक उन्नत चैटबॉट या आदर्श सहायक बना सके। प्रोफ्लुएंट के AI जीन संपादक जनरेटर ओपन क्रिस्पर। प्रोफ्लुएंट ने ओपन क्रिस्पर का खुलासा किया। यह एक AI द्वारा निर्मित जीन संपादक जो विशेष रोगों के लिए अनुकूल इलाज की राह खोलता है। बिटकॉइन माइनिंग चिप असेंबली लाइन। जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक ने अपने नए बिटकॉइन माइनिंग चिप का निर्माण पूरा कर दिया है, जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग को डिसेंट्रलाइज करने में मदद करेगा। मेटा AI इंटरफेस। मेटा AI बड़े भाषा मॉडल का नवीनतम AI, जो त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है लेकिन विशिष्टता में कमी का सामना करता है। गूगल पिक्सल 8A। गूगल पिक्सल 8A AI पावर्ड फोटोग्राफी और बेहतर सुरक्षा के साथ भविष्य की एक झलक है। भारत में व्हाट्सएप का अनिश्चित भविष्य। भारत में व्हाट्सएप सरकार के नियमों के खिलाफ खड़ा हुआ है। व्हाट्सएप ने सरकार की नीति मानने से इनकार कर दिया है। ये नीतियां उपयोगकर्ता की गोपनीयता को कमजोर कर सकती हैं, जिसके बाद व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की बात कही है। Redmi Note 30 Pro Plus 5G। Redmi Note 30 Pro Plus 5G World Champions Edition एक सहयोग जो Xiaomi इंडिया के 10वें वर्षगांठ को समर्पित करता है, जो 30 अप्रैल को लॉन्च होगा। धन्यवाद।